अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम असीफ हुसैन है। जावा प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स में आपको एक बार फिर वेलकम करता हूँ। आज की इस वीडियो में मैं एक जावा के एक नए फीचर के बारे में बात करूँगा जिसका नाम है वेरिएज्स। वेरिएज्स बेसिकली होता क्या है कि वेरिएज जो है वो दो टर्म्स हैं। सबसे पहले है वार और दूसरा है आर्स। वार का मतलब है वेरिएबल, आज का मतलब है आर्ग्यूमेंट्स। इसका मतलब है कि हम किसी मेथड के अंदर अगर हम वेरिएज यूज़ करेंगे तो हम मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं एक ही वेरिएबल को। ठीक है, इसका मतलब कैसे अभी समझाता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल, मैंने एक मेथड बनाया है पब्लिक वॉइड प्रिंट नंबर्स। ठीक है, अगर मुझे इसमें जो है हर वेरिएबल में, हर मेथड में मुझे 10 नंबर आर्ग्यूमेंट चाहिए तो मैं कैसे करूँगा। इंट नम वन कॉमा इंट नम टू कॉमा इंट नम थ्री कॉमा, इसी तरह से मैं 10 वैल्यूज़ आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स डिक्लेयर करूँगा। कोई ऐसा तरीका नहीं है जो कि हम एक ही वेरिएबल बनाएं और जो है हमारा काम हो जाए, एक ही पैरामीटर बनाएं और हमारा काम हो जाए। तो ये काम करने के लिए हम वेरिएज यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम किस तरह से वेरिएज बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने मेथड बनाया प्रिंट नंबर्स का और मैंने इसके पैरामीटर में वेरिएज पास किया, मतलब वेरिएबल आर्ग्यूमेंट पास किया। एक इसमें क्या होता है कि तीन डॉट आते हैं और सबसे पहले आप टाइप बताते हो कौन से टाइप की वैल्यू लेगा, और तीन डॉट आने के बाद आप जो है उस वेरिएबल का नाम लिखते हो। ठीक है, वैसे मैंने नंबर्स लिख दिया और अंदर मैंने क्या कर दिया, मैंने जो है एक फॉर लूप चलाया। इसको बोलते हैं, ये एक नया तरीका है फॉर लूप का। आप क्या करते हो, जब आपको एक नंबर ऑफ आइट्रेशंस करने होते हैं तो आप नंबर इस तरह का फॉर लूप यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले आप टाइप दोगे और फिर आप जो है एक रैंडम वेरिएबल लोगे जो कि आइट्रेट करेगा, और इसके बाद कॉलन लगाएंगे और उसके बाद अपना वेरिएबल पास करेंगे जो कि मल्टीपल नंबर्स होंगे। ठीक है, ये मल्टीपल नंबर्स होंगे इसके अंदर और हम इसको प्रिंट करवाएंगे आइस। ठीक है, तो अब इसको कॉल करवाते वक्त हम किस तरह से यूज़ करेंगे। सिंपल सा तरीका है, मेथड बन गया, मेथड में हमने एक वेरिएबल आर्ग्यूमेंट पास किया जिसमें मल्टीपल वैल्यूज़ होंगी और हमने इस वैल्यूज़ को प्रिंट करवा दिया फॉर लूप की मदद से। ठीक है, तो मैं एक मेथड बनाऊंगा इस क्लास का, ऑब्जेक्ट बनाऊंगा इस क्लास का मेन मेथड में, obj इज इक्वल टू न्यू वेरिएज। ठीक हो गया, ऑब्जेक्ट बन गया और मैंने ऑब्जेक्ट डॉट प्रिंट नंबर्स। अब यहाँ पे एक वेरिएज है तो मैं यहाँ पे मल्टीपल नंबर्स पास कर सकता हूँ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने क्या, यहाँ पे सिर्फ मैंने एक वेरिएज पास किया और यहाँ पे मैं मल्टीपल नंबर्स पास कर रहा हूँ जब मैंने इस मेथड को कॉल करवाया। चलिए इसका आउटपुट देखते हैं। तो ये देखिए, 10 नंबर प्रिंट हो गए जो मैंने पास किए थे। एक और मेथड बनाता हूँ ऐड नंबर्स का। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैं एक मेथड बनाता हूँ पब्लिक वॉइड ऐड नंबर्स, रिटर्न करेगा एक वैल्यू। ठीक है, जो कि
इंटीजर टाइप की होगी फॉर श्योर, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक वेरिएश पास करूँगा, वेरिएबल आर्ग्यूमेंट, जो कि इन टाइप का है, और मैंने यहाँ पे इसको दे दिया नंबर्स, ठीक है। क्या करूँगा मैं, अब मैं चाहता हूँ कि जितने भी नंबर्स हैं उन सब का सम आ जाए मेरे पास। तो मैं एक इंटीजर लेता हूँ सम का, जिसको मैंने 0 के बराबर कर दिया, और एक फॉर लूप चलाया। सिंपल सा तरीका है, टाइप बताया, आइट्रेशन बताई, और जो है वेरिएबल बताया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं और इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, सम प्लस इज इक्वल टू आई, ठीक है। ये तरीका भी है सही है और ये तरीका भी सही है, तो हम दोनों से कर सकते हैं। और रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न ये करेगा सम को, ठीक है। और यहाँ पे मैं इस मेथड को कॉल करवाता हूँ, एड नंबर्स, ठीक है। और इसको मैंने एक इंटीजर में सेव करा दिया, रिजल्ट इज इक्वल टू दिस, क्योंकि ये मेथड कोई वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। तो जो वैल्यू रिटर्न होगी वो रिज़ल्ट में सेव हो जाएगी और हम रिज़ल्ट को प्रिंट करवा देंगे। एडिश सम ऑफ नंबर्स इज प्लस किया मैंने रिज़ल्ट को। चलिए इसको मैं चला के देखता हूँ, तो ये देखो सम ऑफ नंबर इज 55 आ गया। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ दो नंबर पास करता हूँ तो क्या होगा, तो मैंने सिर्फ 9 और 10 पास किया तो दोनों का एडिशन क्या आ गया, 19 आ गया। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि आप जो है किसी एक वेरिएबल को डिक्लेयर करके आप मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हो, वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स की वजह से, तरह से, ठीक है। इसको हम वेरिएज कहते हैं। उम्मीद है कि ये जो है कॉन्सेप्ट आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा और जो है इजी लगा होगा। मिलते हैं इसी तरह के अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही मैं अगली वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।